योयो हनी सिंह एक ऐसा नाम है जो कि आज के यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अपने गानों से लोगों को पागल कर देने वाले योयो हनी सिंह या फिर ये कह ले कि हृदय सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने एक टाइम पर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ना केवल इंडिपेंडेंट म्यूजिक बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इनकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नाम अचानक से म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया, और वो कौन लोग थे जिसका शिकार हो गए योयो हनी सिंह? तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, और अगर आप भी हनी सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 2011 में जब हनी सिंह ने अपना एल्बम इंटरनेशनल विलेजर लॉन्च किया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हनी सिंह के गाने नहीं आए थे, लेकिन इस एल्बम के गाने बाकी गानों से इतने अलग थे कि रातों रात दुनिया भर में लोग हनी सिंह को जानने लगे थे। इस एल्बम को हनी सिंह ने किसी बड़े लेवल के साथ रिलीज ना करके इंटरनेट पर सीधे अपलोड कर दिया, ये कहकर कि ऑडियंस ही उनकी भगवान है और वही उनको सपोर्ट करेगी। इस एल्बम के रिलीज होने के बाद एक तरफ जहां हनी सिंह को दौलत और शोहरत मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनल्स ने हनी सिंह के पुराने विवाद खोदकर दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिए थे। वो अश्लील गाने जो कि हनी सिंह ने बार बार कहा कि उन्होंने नहीं गाए, हनी सिंह के नाम से जगह जगह पब्लिश होने लगे। हालांकि इससे हनी सिंह के फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हनी सिंह से नफरत करने वाले इतनी जल्दी हार कहां मानने वाले थे। साल 2012 में निर्भया केस हुआ और उसी के एक हफ्ते में हनी सिंह के शो में कुछ लोगों ने हमले शुरू कर दिए। कनाडा में उनका एक शो हुआ और उस शो को भी बंद करवा दिया गया, ये इल्जाम लगाकर कि हनी सिंह के अश्लील गानों की वजह से ही रेप होते हैं। कुल मिलाकर हनी सिंह को एक अश्लील म्यूजिशियन बनाने का पूरा प्लान बनाया गया था। ये सब चीजें चली रही थी, लेकिन इसी के साथ हनी सिंह के कुछ साथी भी उनसे दूरी बनाकर उनके खिलाफ साजिश करने लगे। वो लोग जो हनी सिंह की वजह से और उनके बनाए हुए गानों की वजह से फेमस हुए थे, वही लोग अब हनी सिंह का साथ छोड़ने लगे और उनके पीठ पीछे बुराई करने लगे। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि यहाँ किन लोगों की बात हो रही है। खैर, एक तरफ जहाँ हनी सिंह इन सब चीजों से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में फंकी गानों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़ा स्टार अपनी फिल्म में म्यूजिक के लिए हनी सिंह को लेना चाह रहा था, और ऐसा हुआ भी। हनी सिंह ने लगभग हर बड़े बॉलीवुड एक्टर की फिल्म में गाना किया। इन एक्टर्स में अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर शामिल थे। लेकिन फिर एकदम से सब चीजें बदलने लगी और हनी सिंह के पीठ पीछे होने वाली साजिशें अपना असर दिखाने लगी, और अब लगभग बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर ने हनी सिंह से दूरी बना ली थी। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि हनी सिंह ने एक बड़े म्यूजिक लेवल का ऑफर ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उस लेवल ने अपनी पावर का यूज हनी सिंह को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से लगा दिया। और एक टाइम खबरें ये भी आई कि किसी लाइव शो में हनी सिंह का झगड़ा सलमान खान के साथ हो गया और इसके पीछे वजह शाहरुख खान को बताया गया। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आई कि एक पार्टी में हनी सिंह का शाहरुख खान के साथ झगड़ा भी हो गया है और शाहरुख खान ने हनी सिंह पर हाथ उठा दिया है। इन सब बातों से हनी सिंह और ज्यादा टूट गए और मीडिया ने इन सब बातों को कुछ इस तरह उछाला कि हनी सिंह बेट लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हो गए। फिर खबरें आई कि हनी सिंह शराब और नशे के आदि हो गए हैं। इन 3 सालों में हनी सिंह कभी नजर आते और कभी नहीं। और फिर हनी सिंह को साथ मिला भूषण कुमार का। तीसरी इस कंपनी के मालिक भूषण कुमार और हनी सिंह के अच्छे दोस्त बॉबी सोर ने हनी सिंह को फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए कहा, जिसके बाद हनी सिंह ने कई फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया भी। और फिर उनका बड़ा गाना मखड़ा आया, जिसको लोगों ने हनी सिंह का कमबैक माना, और अब जाकर हनी सिंह लगभग अपने पास्ट से पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और आने वाले कुछ टाइम में हनी सिंह अपने एक के बाद एक नए गाने लेकर आने वाले हैं। हनी सिंह की ये कहानी हमें बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। जिन लोगों को हनी सिंह ने पहचान दिलवाई, उन्हीं लोगों ने हनी सिंह को धोखा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो खुद से नहीं हारता उसे दुनिया क्या हराएगी। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, और अगर आप लोग हनी सिंह की शादी और उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ और अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर देना, और प्लीज किसी भी तरह से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। I'm walking alone.